दोस्तों 2 से 3 दिन हो गया बालों में तेल लगाए हुए, तो आज मैंने सोचा कि आज मैं कोकोनट ऑयल लगाऊंगी, लेकिन कोकोनट ऑयल को सिर्फ ऐसे ना लगा करके आज मैं इसमें कुछ कुछ चीज़ें मिला करके लगाऊंगी जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होगा। बालों का जो स्प्लिटेंस है, डैमेज है, वो भी ख़त्म होगा, डैंड्रफ की समस्या ख़त्म होगी, बाल आपके बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपने तो बहुत सारे ऑयल लगाते ही होंगे, बहुत सारे रेमेडीज़ मैं शेयर भी करती रहती होंगी, लेकिन कोकोनट ऑयल की रेमेडी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कम टाइम में आप इस वाले कोकोनट ऑयल को यूज़ कर लोगे। कोकोनट ऑयल बालों में लगाने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने मेरे बालों के लेंथ के हिसाब से 2 से 3 चम्मच कोकोनट ऑयल ऐड किया है। ये है एलोवेरा जेल, बहुत ही बढ़िया एलोवेरा जेल है जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ हर रेमेडीज़ में ऑलमोस्ट। बहुत ही बढ़िया कलर है, ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल कलर नहीं है, मतलब इसमें किस तरह का कोई फ्रेगनेंस भी नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ओरिजिनल जो फ्रेश वाला एलोवेरा जेल होता है ना, वैसा ही होता है। तो इसको मैं हमेशा अपने बालों में भी लगाती हूँ, अपने स्किन केयर रेमेडीज़ में भी यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच छोटे छोटे चम्मच से 2 चम्मच एलोवेरा जेल भी ऐड कर दिया हुआ है दोस्तों। तो कोकोनट ऑयल में ये सब चीज़ें जब मिला करके लगाओगे तो बेस्ट हेयर रेमेडी तैयार होगी। ये है विटामिन ई की कैप्सूल। मेडिकल भी कहती है कि जो विटामिन ई होता है हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, बालों की ग्रोथ में हेल्प करता है। उसके साथ साथ ही बालों में जैसे टूटने जाने की बहुत ही ज़्यादा समस्या है, बाल पैचेज हो जाते हैं, उन सभी समस्याओं को ख़त्म करता है, स्प्लिटेंस बालों को रिपेयर करता है, डैमेज बालों को रिपेयर करता है, स्प्लिटेंस बाल बहुत ही सुंदर और स्मूथ हो जाते हैं। तो एक यहाँ पे मैंने विटामिन ई की कैप्सूल भी ऐड कर दी हुई है और ये बेस्ट हेयर रेमेडी रेडी हो चुकी है। इसमें एक सामग्री और ऐड करेंगे जो कि और भी फास्टर हेयर ग्रोथ कहा जाता है इसको, ये है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल जो कि फास्टर हेयर ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करता है बालों की। और उसके साथ साथ ही अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ते हैं, झड़ने की वजह से बाल पैचेज हो गए हैं, तो वहाँ पे भी नए बाल उगाने में हेल्प करता है ये कैस्टर ऑयल। तो यहाँ पे मैंने छोटी चम्मच से कम 1 चम्मच जो है कैस्टर ऑयल भर के डाल दिया है। अब ये तीनों चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और ये एकदम से बेस्ट हेयर सीरम रेडी हो जाएगा। एकदम से आपके दोमेह बालों को रिपेयर करेगा, आपके स्प्लिटेंस बालों को सही करेगा। अगर आपके बालों की ग्रोथ नहीं होती है तो बालों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी और बाल आपके बहुत ही सुंदर और खूबसूरत हो जाएंगे। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको डबल बॉइलिंग मेथड की मदद से हल्का सा गुनगुना करूँगी। हल्का गुनगुना तेल लगाने से अगर आपको सर्दी जुकाम की समस्या हो रखी है तो वो समस्या भी ख़त्म होगी। इस तरीके का रेमेडी है ना दोस्तों, आप अपने बच्चों को भी लगा सकते हैं। हल्का गुनगुना करके पानी को गर्म करके एक बर्तन में रख ले, कटोरी में रख ले, और इसमें फिर आपको जिसमें आपने तेल बनाया है ना, उस तेल को अच्छे से इस तरीके से थोड़ी देर रखोगे ना चलाते हुए, बिल्कुल हल्का गुनगुना हो जाएगा। डायरेक्ट हीट ना करके बहुत ही अच्छे से गुनगुना हो जाएगा। इसको आपको अच्छे से अप्लाई करना है आपके बालों पे भी, अपने बच्चों को भी इसको अप्लाई कर सकते हो। जो भी चीज़ें ऐड की है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है। मैं हमेशा इस तरीके का रेमेडीज़ कम से कम एक बार ज़रूर लगाती हूँ। ऐसे भी बहुत सारे रेमेडीज़ में जैसे अनियन ऑयल, मेथी कलौंजी का ऑयल, और उसके साथ साथ भी बहुत सारे हेयर सीरम बना करके लगाती रहती हूँ, तो उसमें ये रेमेडी भी बहुत ही खास है जो कि बहुत ही जल्दी बन भी जाता है और बिना ज़्यादा मेहनत के बहुत ही जल्दी इसको हम अपने बालों पे लगा भी लेते हैं। तो इस तरीके से मैं पूरे बालों की जड़ों से लेकर के सिरों पे लगाऊंगी, अच्छे से मसाज करते हुए। जितने भी ऑयल बनाए हैं सभी के सभी ऑयल बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और सभी के सभी मेरे बाल में ऑलमोस्ट हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत बच जाता है तो मैं इसको दोबारा यूज़ भी कर लेती हूँ या फिर अपने घर के किसी मेम्बर को यूज़ करके मतलब उसको लगा देती हूँ, तो बिल्कुल भी वो वेस्ट नहीं होता है। तो आप भी बिल्कुल वेस्ट ना करें, आपके घर में और भी कोई फैमिली मेम्बर है उसको अप्लाई करें, जड़ों से सिरों तक लगाएं, मसाज करें। कम से कम 8 से 10 मिनट तक मसाज बहुत ही ज़रूरी है बालों में। बहुत सारे लोग तेल लगा तो लेते हैं लेकिन दोस्तों उसको मसाज करना भूल जाते हैं। स्कैल्प पे मसाज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मैंने तेल लगाया है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की है। कि ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ये काम किया है, मैं अच्छे से हमेशा ऑयलिंग करती हूँ अपने बालों में। वीक में कम से कम 2 बार तो ज़रूर लगाती हूँ और 2 बार शैम्पू भी करती हूँ, 2 बार हेयर मास्क वगैरह भी लगाती रहती हूँ। तो बालों की देखभाल जितनी अच्छे से आप करोगे बहुत ही अच्छे आपके बाल होंगे, हेल्दी होंगे, बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। बालों को हमेशा साफ़ सुथरा रखें, क्लीन रखें, इसलिए शैम्पू कम से कम 2 बार करें, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। तो इस तरीके से मैं बहुत ही अच्छे से शैम्पू ये तेल लगाने के बाद बालों की जड़ों से लेकर के सिरों पे इसको दोस्तों मैं ऐसे नहीं कि मैंने इसको तुरंत ही जा करके शैम्पू कर लेना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। शैम्पू करने के पहले इसको मैं अच्छे से मसाज कर लेती हूँ। मसाज करने के बाद मैं इसको
मतलब थोड़ा सा जैसे आप चोटी बना करके रख सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरीके से फोल्ड कर करके जो पोनी होता है वैसे बना करके रख सकते हैं, जूरा बना करके रख सकते हैं ताकि आपके किसी कपड़े वगैरह में ना लगे ऑयल। और फिर इसको आपको शैम्पू करना है। शैम्पू करने के लिए आपको कम से कम 1 घंटे से 1.5 घंटे बालों पे ज़रूर रखें इसको लगा करके, कम से कम। मैक्सिमम तो आप रात में भी लगा करके अगले दिन धो सकते हैं, तो रात भर रखें और कम से कम 2 घंटे लगा करके फिर शैम्पू कर ले। दोस्तों बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, बाल आपके बिल्कुल खूबसूरत लंबे काले घने स्मूथ सिल्की शाइनी होंगे, बाल बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, मैंने खुद पे ट्राई करती रहती हूँ, आप भी कीजिए, आपको भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और वैसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आप सबसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।